और लस्सी बनेगी कल की तरह आज भी रूह अफ़ज़ा वाली। रिपीट करने से याद आया, कुछ सुनहरे दिनों के याद आ गए। भैया रिपीट करना, रिपीट कहाँ पे बोला जाता है कमेंट करके बताएं, मैं भी समझ जाऊंगा कि आप कहाँ कहाँ जाते हो। आवा मियाँ एक बात बताना, क्या तुम्हारी अम्मा तरोई बनाती हैं? नेनुआ तो खाया हूँ मैं, बनाया भी हूँ, तरोई भी खाया हूँ, लेकिन तरोई कभी बनाया नहीं, नेनुआ भी शायद कभी नहीं बनाया, या बनाया भी हूँ तो याद नहीं है। 5 मिनट लगे तीनों आम को टकला करने में। अयो हबीबी, 15-20 दिन घर में अकेले रहो कभी भी। होम अलोन सीरीज का डे 9 देख रहे हो आप? 9वां दिन चल रहा है, 8 दिनों के घर में अकेले रहते रहते, खुद बनाना, खुद खाना, सारा काम कुछ करना, सारा काम नहीं मतलब कुछ कुछ काम के लिए लोग हैं, जैसे बर्तन वाली दीदी है, झाड़ू पोछा वाली दीदी है, तो वो काम नहीं करना पड़ रहा, वो करना पड़ता है तो फिर तो प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि ऑफिस का भी काम करना रहता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अभी चल रहा है जून और मेरे 150 ब्लॉग चैलेंज का ब्लॉग 128 देख रहे हो आप, और होम अलोन सीरीज का डे 9, और अभी टाइम हो रहा है 8:15 या 16 मिनट, और मैं 7:30 बजे उठा था, फ्रेश हो लिया, ब्रश कर लिया, थोड़ा सा वॉक भी कर लिया बाहर, बाहर इन द सेंस ब्रश करते करते वॉक एंड ब्रश, बस इतना ही। तो अभी चलते हैं जल्दी से नहाते हैं, फिर खाना तो कल रात का बना के रखा है मैंने, सोयाबड़ी की सब्जी और रोटी और चावल बनाएंगे, और छाछ वगैरह या लस्सी जो भी प्रोग्राम बने वो बना के पी के ऑफिस जाएंगे। तो देखो जी, 1 लोटा जल का काम मेरा रोज का। रोज का काम हो गया मतलब जल चढ़ा दिया, अभी पूजा करना बाकी है, नहाना धोना हो गया है, और आज इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हालांकि अभी धूप में आया तो थोड़ी गर्मी लग रही, लेकिन ऐसे छाँव में खड़े रहो और हवा ठंडी ठंडी, मतलब मौसम तो बढ़िया हो रखा है कल से, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो पूजा हो गई और अब पेट पूजा की तैयारी करते हैं, कुछ खास नहीं करना है, बस चावल पकाना है, सब्जी और रोटी तो पहले से है, दही रखी हुई है, लस्सी बनाना है या छाछ बनाना है वो डिसीजन अभी पेंडिंग है, तो देखते हैं अपन छाछ पीते हैं कि लस्सी। क्या लगता है आपको क्या पीना चाहिए कमेंट करके बताएं। होम अलोन सीरीज के बाकी के वीडियोस नहीं देखे तो ये वाला देखने के बाद जाके चेकआउट जरूर करें कि भाई रघुवंशी अकेले कैसे सर्वाइव कर रहे हो, मतलब खाना बनाना, ऑफिस जाना, वापिस आना, फिर बनाना, फिर खाना, सोना, ब्लॉग करना, ब्लॉग एडिट करना, सब चीज़ कैसे हो रहा है। आज जो ब्लॉग डालना है वो एडिट नहीं हुआ है, तो मैं जल्दी से खाना वाना करके ब्लॉग एडिटिंग में लगूंगा, क्योंकि अभी 9 बजने वाले हैं और ऑफिस के लिए 10-10:15 तक निकलता हूँ मैं, मतलब 10-10:15 मैक्स टू मैक्स 10:20 तक, तो थोड़ा सा टाइम बच सकता है, तो अपन ब्लॉग एडिट भी कर सकते हैं। तो जल्दी से चावल पकाते हैं और फिर खा के ब्लॉग एडिटिंग में लग जाते हैं। और यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ज़रूर से। तो द ग्रेट इंडियन कुक रघुवंशी किचन में आपका स्वागत है। अपन बना रहे हैं चावल, चावल को कुकर में भर के गैस पर चढ़ा दिया है, थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ा सा नमक और बहुत ही आधा चम्मच हल्का सा रिफाइंड ऑयल, ताकि चावल बिखरे बिखरे रहे। क्या ये अपनी ट्रिक है जो मैं अभी खुलासा कर रहा हूँ, सनसनीखेज खुलासा। अगर आप भी अपने चावल बिखरे बिखरे चाहते हैं तो आधा चम्मच या 1 चम्मच तेल डालें, और लगभग 2 कटोरी चावल बनाए मैंने, थोड़ा ज़्यादा ही बनाए ताकि अभी यूज़ हो, शाम को भी यूज़ हो, कल सुबह फ्राई करके भी खा लें, अपने कोई टेंशन नहीं, अपने को फ्रिज में खाना रखना है, अकेले खाना है तो जैसे मन चाहे वैसे चलाना है, कोई तकलीफ नहीं। तो दही का क्या करना है वो डिसाइड हो गया, आधी दही मैं रख दिया हूँ क्योंकि बहुत सारी जमाई थी, और आधी दही का अपन लस्सी बना रहे हैं, इसका हो सके तो शाम को छाछ बना के पी लेंगे या कटोरी में लेके खा लेंगे, जैसा मूड हो। और लस्सी बनेगी कल की तरह आज भी रूह अफ़ज़ा वाली, कल मस्त बनी थी, आज भी वैसी सेम क्वांटिटी यूज़ करेंगे ताकि सेम टाइप का बने, क्योंकि कल का बहुत अच्छा बना था। तो मेरा लंच रेडी है, रोटी एंड सब्जी, चावल पक गया है, थोड़ी देर में निकालेंगे, गर्मा गर्म चावल खाएंगे। आपको रोटी ज़्यादा पसंद है या राइस कमेंट करके बताएं, लस्सी बन के रखिए फ्रिज में, खाना खाने के बाद एक गिलास लस्सी गटकाएंगे, रेडी होके ऑफिस जाएंगे। और किचन का मैक्सिमम काम हो चुका है, बर्तन वाली दीदी आई, बर्तन धो के चली गई, बर्तन मैंने सरिया दिए हैं, प्लेटफॉर्म साफ़ कर दिया है, सब क्लीन एंड क्लियर, चावल जो एक्स्ट्रा पकेगा वो इसमें रख के फ्रिज में रखना है, बाकी कुकर को सिंक में रखना है। राउंड 1 हो गया, इट्स टाइम फॉर द राउंड 2। गर्मा गर्म बिखरे हुए चावल अपने प्लेट पर आ गए हैं, और भी सब्जी भर ली गई है, दिस इज़ द रिफिलिंग। भैया रिपीट करना, रिपीट करने से याद आया, कुछ सुनहरे दिनों के याद आ गए। भैया रिपीट करना, रिपीट कहाँ पे बोला जाता है कमेंट करके बताएं, मैं भी समझ जाऊंगा कि आप कहाँ कहाँ जाते हो। लंच ब्रंच जो भी बोलो सब कुछ हो गया, अब रेडी होना है, तो हैव अ लुक इन माय आईज, 1, 2 एंड 3, आई एम रेडी टू गो ब्रो, ऑफिस चलते हैं, मिलते हैं अब सीधा शाम को 5 या 5:30 बजे के बाद, हो सकता है 6 भी बज जाए, तो जैसा भी होगा आपको पता चल जाएगा, शाम को देखते हैं। तो ऑफिस में बैठे बैठे मैं निपटा रहा हूँ अपना काम, और अभी टाइम हो रहा है लगभग 1:30, थोड़ी देर का ब्रेक है, अभी ऑफिस में मैं अकेला हूँ, और भैया क्लाइंट ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, तो इसलिए एसी की हवा खा रहा हूँ एंड थोड़ा सुस्त आ रहा हूँ। क्या आप भी अपने ऑफिस में सुस्त आते हैं कमेंट करके बताइए।
मिलते हैं हम सीधा शाम को घर जाने के बाद, चढ़ा। और जब भी देखो भूख सताए, घर की याद आए, बहुत जोर से भूख लगी है, 5:30 बज चुके हैं, जल्दी से चलते हैं कपड़े चेंज करके कुछ खाते हैं। रघुवंशी ने मारा तौलिया, चेंज हो गया हुलिया। बहुत जोरों की भूख लगी है, चलते हैं कुछ खाते हैं। वैसे अपने पास पहले से राइस है, आटा सना हुआ है, सब्जी भी है। पहले सोच रहा हूँ कुछ पीते हैं, जैसे छाछ बनाते हैं, दही भी है तो छाछ बना लेंगे या फिर दही शक्कर के साथ खा सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। सुबह तो लस्सी पी के गया था तो सोच रहा हूँ छाछ पी लेते हैं फिर खाना खाएंगे, या फिर खाने के साथ भी छाछ अपन यूज़ कर सकते हैं। कन्फ्यूज हूँ क्योंकि मेरे को भूख लगी और भूख लगने के बाद मैं लड़की बन जाता हूँ। आप बनते हैं कि नहीं बनते हैं कमेंट करके बताएं। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वो काला वाला बटन है उसको दबाएं तब चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस और पुराने वीडियोस आपको दिखें। होम अलोन सीरीज का day 9 देख रहे हो आप और 150 ब्लॉग चैलेंज का ब्लॉग 128। तो मेरा प्रोग्राम था छाछ बनाने का, लेकिन मैं भूल गया कि लस्सी मैं बहुत ज़्यादा बना के गया था, एक गिलास पी के गया और अनु चाचा के लिए लगभग 2 गिलास के आसपास थे, तो 1 गिलास अनु चाचा ने पिया है और 1 गिलास मेरे लिए बचा हुआ है। तो लस्सी घट काटते हैं, उसके बाद क्या खाएंगे क्या पियेंगे सोचते हैं। लस्सी पी ली, थोड़ी सी नमकीन भी खा ली, अब dish number 2। पेट पूजा की लगी है कतार भवानी। तो अपने पास है चावल, चावल में डालेंगे थोड़ी सी सब्जी और इसको गैस पे गर्म करेंगे, मस्त चावल सब्जी खाएंगे। और क्योंकि ऑफिस का काम निपटा के मैं थक गया हूँ तो थोड़ी देर सो जाएंगे। तो मेरा चावल सब्जी गर्म हो गया है, इसमें मैंने थोड़ी सी दही भी मिलाई है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 6:05 और 10-15 मिनट या 20 मिनट अपन आराम करेंगे क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे। उसके बाद देखेंगे ब्लॉग एडिट करेंगे और फिर रात के खाने की तैयारी कर लेंगे। तो पेट भर के खा लिया है, कूलर चला लिया है, लेटे लेटे ब्लॉग एडिट करेंगे और अगर नींद आई तो सो भी जाएंगे। टाइम हो रहा है 6:30, आराम से उठेंगे 7 बजे या 7:30 बजे और डिनर का जुगाड़ देखेंगे। डिनर में अपने पास सब्जी पहले से है, चावल भी थोड़ा सा बचा है, आटा सना हुआ रखा है, या तो रोटी बना लूँगा या तो पराठे बना लूँगा, दोनों ऑप्शन अपने पास, जो भी खाने का मन हुआ खा लेंगे। आम भी है, आम रस बना सकते हैं, तो देखते हैं ये चीज़ मैं अब सोचूंगा सो के उठने के बाद, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं उसके बाद देखा जाएगा। तो लेटे लेटे मैं कर रहा था ब्लॉग एडिट और एडिटिंग करते करते आ गई नींद, मस्त सो गया था। अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 8, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया, करेक्ट 8 नहीं हो रहे, 8 बजने वाले हैं, उसमें 7-8 मिनट बाकी है। तो मैं सोच रहा हूँ मस्त एक लच्छा पराठा बना लेता हूँ, मतलब 2 लच्छे पराठे, एक मेरे लिए अनु चाचा के लिए, थोड़ा सा चावल है, सब्जी है, आमरस का प्रोग्राम अभी सोच रहा हूँ बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। उसके पहले दूध आ गया उसको बॉइलिंग पे रखते हैं और कुछ सब्जियाँ आ गई हैं उसको फ्रिज में रखते हैं। आमा मियाँ एक बात बताना, क्या तुम्हारी अम्मा तरोई बनाती हैं? नेनुआ तो खाया हूँ मैं, बनाया भी हूँ, तरोई भी खाया हूँ, लेकिन तरोई कभी बनाया नहीं, नेनुआ भी शायद कभी नहीं बनाया, या बनाया भी हूँ तो याद नहीं है। तो ये चीज़ कैसे बनती है जरा कमेंट करके बताएं, तो मैं उसके बाद 1-2 दिन बाद बना लूंगा, तब तक इसको फ्रिज में रख देता हूँ। तो मैं 2 आम का आमरस बनाने जा रहा था, फिर सोचा एक और निकाल ही लेते हैं, ज़्यादा बना लेंगे कल भी काम आ जाएगा, मैंगो शेक भी बन जाएगा, आमरस भी बन जाएगा, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। वो क्या है ना साइन, थोड़ा सा फ्यूचर आराम का सोचना पड़ता है, तो इसलिए ज़्यादा बना के अपन क्या टेंशन फ्री। दूध गर्म हो चुका है, दही भी जमानी है, आमरस बनाना है और एक और आइटम बनाना है जो है लच्छा पराठा, ढेर सारा आटा है, 2 लच्छे पराठे बनाऊंगा अच्छे मोटे मोटे। देखो आजकल हो ऐसा रहा है कि मैं एक ही दिन खूब सारा काम कर देता हूँ, मतलब आगे की तैयारी कर लेता हूँ, और जब आगे की तैयारी हो चुकी होती है तो टेंशन फ्री हो जाता हूँ और आराम करता हूँ और ब्लॉग एडिटिंग पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि कहना सही ऑफिस का भी काम है, ब्लॉग भी एडिट करना है और खाना भी बनाना है, 3 चीज़ें हो गई अभी, पहले 2 चीज़ थी तो भी दिक्कत हो रही थी, 3 चीज़ हो गई तो वर्कलोड बढ़ गया है। और 5 मिनट लगे 3 आम को टकला करने में, अब ये टकले आम को अपन काटेंगे। पेश है आपके सामने भगोना भर के यानी कि पतीला भर के आमरस, लगभग 1.5 लीटर आमरस होगा। तो मुझे तो लगता है 2-3 टाइम की छुट्टी आमरस ही खा के सो जाएंगे। लच्छा पराठा बनाते हैं, इसको फ्रीजर में डालते हैं। तो मेरा प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि गिनती के 2 लच्छे पराठे बनाने हैं, लेकिन अच्छे पराठे बनाने हैं, जितना भी आटा है मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 के आसपास होगा, अपन उसका 2 ही पराठा बनाएंगे। और टाइम अभी होने वाला है 9, मतलब 9 बजने वाले हैं, तो पराठे बनाएंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। आज वॉक पे नहीं जाने वाला मैं, हो गया प्लान कैंसिल वॉक का। तो देवियों और सज्जनों, भाई और बहनों, लच्छा पराठा बन के रेडी है, मस्त लच्छेदार पराठा बना है। ये वाला है अनु चाचा के लिए और दूसरा मैं अपने लिए इधर बना रहा हूँ, एंड हमेशा की तरह माइट्रिक। और यह अभी भी हमारा हाथ का लच्छा पराठा, खा के देखो कभी भी। वैसे रेसिपी मम्मी की है, मम्मी ने बोला था लच्छा पराठा बना लेना जो आटा रखा है, तो मैं बोला ठीक है बढ़िया है वही बना लेते हैं। तो मस्त लच्छा पराठा, आमरस, सब्जी और चावल खाएंगे, जैसा कि बताया चुपचाप सो जाएंगे। आपको लच्छा पराठा पसंद है कि नहीं पसंद है कमेंट करके बताएं, और बनाने आता है कि नहीं आता है वो भी कमेंट करके बताएं। क्या आपको कुछ भी खाना बनाना आता है मैगी छोड़ के और चाय छोड़ के? तो टाइम हो रहा है 9:30, मेरा डिनर रेडी,
आमरस सब्जी दे लच्छा पराठा, हम खाता चुपचाप सो जाता। अभी चावल भी है क्या? है जो जो चीज़ें लगेंगी सब पर्याप्त है, ज़रूरत से ज़्यादा है। सब्जी भी है, आमरस भी है, चावल भी है। लच्छा पराठा एक ही खाऊंगा, थोड़ा सा चावल खाऊंगा, सब्जी और एक कटोरी या दो कटोरी आमरस गटकेंगे, मस्त सोएंगे। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वो काला वाला बटन है दब जाना चाहिए, और कमेंट करके बताएं कि आपको कुकिंग करना पसंद है। सो दिस इज गोइंग टू बी एंड ऑफ दिस व्लॉग, मिनी व्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करना। मिलते हैं कल शाम को, गुड नाइट, स्लीप टाइट। 150 व्लॉग चैलेंज का व्लॉग 128 कंप्लीट, एंड होम अलोन सीरीज का डे 9, अभी 10-12 दिन और है, आराम से अपना होम अलोन सीरीज ही चलता रहेगा। देखते हैं अपन कितने दिन तक घर में अकेले रह पाते हैं, जब तक घर वाले आते हैं क्या अपन ठीक ठाक रहेंगे या फिर पगला जाएंगे अकेले रह रहे के, तो ये आपको आगे आने वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। मिलते हैं कल शाम को, और डिनर करने के बाद जो बचा कुचा काम है वो मैं कर करा के जाके चुपचाप बेड पे लेटूंगा, ब्लॉग एडिट कर पाया तो करूंगा, अदरवाइज सो जाऊंगा क्योंकि बहुत थक गया हूँ।